एक बार पहले बाजार पे एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं राजेश, किस तरह से आप ट्रेड करेंगे? 22,000 एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा था, जिस तरह से आप नीचे की पुट राइटिंग देखें स्ट्राइक्स में, तो 22,000 को तो अब तक बचा कर रखा है बाजार ने इस वक्त, और रेंज कल ही दिख रही थी कि जिस तरह का 200 पॉइंट का एक रेंज दिख रहा था उसके बीच ही बाजार हो सकता है क्या? अभी फिलहाल क्या आपने सपोर्ट को प्रोटेक्ट करके रखेगा मार्केट? इसी रेंज के बीच होंगे हम, 22,000 से 22,200, या फिर अदर साइड ऑफ द ट्रेड दिख रहा है आपको, वन डायरेक्शन ट्रेड दिख रहा है आपको? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में अभी भी देखें तो वोलेटिलिटी जरूर है, लेकिन यहाँ पे डेटा के हिसाब से भी बात करें तो यहाँ पे 22,000 21,950 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। यहाँ पे ही मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है वीकली सीरीज के हिसाब से। तो हमें लगता है कि आज और कल के सेशन में 21,950 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको होल्ड आउट करने में निफ्टी कामयाब रहती तो हमें लगता है वापस से लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखेगा। ऑन द हायर साइड तो मेजर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस आज बनाई है, वो बनाई है मेजर 22,100 की स्ट्राइक पे। तो ये एक चैलेंजिंग लेवल रहेगा अभी नियर टर्म, एक या दो ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर 22,100 को निकालने में कामयाब होगा तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है छोटी ही रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा, 21,950 से 22,100 ये एक रेंज हमें लगता है एक से दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगी, और आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फिर यहाँ से फ्रेश डायरेक्शन को मार्केट को फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में 47,800 47,900 ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है डाउन साइड में, और हमें लगता है कि अगर जब तक ये लेवल इंटेक्ट है ट्रेंड अभी भी बुलिश साइड का ही रहेगा, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है दोनों इंडेक्स में। बैंक निफ्टी में हायर साइड पे 48,200 ये लेवल अगर क्रॉस होता है स्पॉट पे तो यहाँ पे भी मोमेंटम फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो हमें लग रहा है दोनों इंडेक्स को अभी एक रेंज बाउंड डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हुए मिलेंगे। डाउन साइड में जब भी डिप मिलती टुवर्ड सपोर्ट एरिया वहां पे बाय का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ऑलराइट, डाउन साइड पे आपको बाय का ट्रेड आप री इनिशिएट करेंगे लॉन्ग्स, लेकिन थोड़े से और नीचे। और आपके लिए बहुत काम की है, और खास तौर से अगर आपके पास मेटल शेयर्स हैं या फिर ट्रेडिंग के पोजीशन हैं तो ये खबर आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि चीन इकोनॉमी में और ज़्यादा राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रहा है और कुछ बॉन्ड्स के ज़रिए पैसे इन्फ्यूज़ करने की योजना बना रहा है अपनी इकोनॉमी में, तो जिनका डायरेक्ट लिंकेजेस है जैसे कि मेटल स्टॉक्स, क्योंकि चीन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है कंज्यूमर भी है, तो इनके लिए एक निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव खबर होती है। आप देखिए निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है 1% के आसपास की तेजी है, और आपको मेटल्स में आज ट्रेड भी सुझाए हैं धोनी ने, JSW स्टील को खरीदने की सलाह दी है। टाटा स्टील अब 2% ऊपर है, 2.25% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। तो दो शेयर रुचित की तरफ से, डाबर और BPCL। राजेश जी आपके ट्रेड्स क्या हैं सर? तो अभिषेक जी गुड आफ्टरनून। तो पहला ट्रेड मेटल से है और आपने बिल्कुल ये चर्चा में शामिल किया, तो टाटा स्टील ही पहला स्टॉक है हमारा यहाँ पे बाय करने के लिए। अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बना के अब यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है, पिछले आधे घंटे में देखें तो काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे। ये स्टॉक में हमें लगता है 145-148 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, स्टॉप लॉस रखेंगे 135 का। दूसरा स्टॉक मेरा कोइंसाइड ही हो रहा है रुचित के साथ, टारगेट तो सेम है, स्टॉप लॉस मेरा 466 है। हमें भी लगता है कि BPCL ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, OMC कंपनीज में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छा बाइंग का रुझान पिछले कई दिनों से चलते हुए दिखा है, और हमें लग रहा है कि फर्दर यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। BPCL 490 के टारगेट के लिए बाय करना, स्टॉप लॉस 466। तीसरा स्टॉक फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है बायोकॉन के साथ जाना चाहिए। बायोकॉन में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, ओवरऑल इसके जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छी तेजी पोजिशनल बेसिस पे भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट आ सकते हैं वो करीब 298 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 283 के आसपास। 283 का स्टॉप लॉस बायोकॉन में देखने की, अच्छे मूव्स आ रहे हैं। बायो सिमिलर को लेकर एक खबर भी आई थी कल, उसके चलते हमने शेयर को चढ़ते हुए देखा और आज भी जोश कायम है। राजेश जी का भले एक स्टॉक कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि एक स्टॉक कम होता है लेकिन जो कन्विक्शन होता है वो डबल हो जाता है जब दो एक्सपर्ट्स के एक ही शेयर होते हैं, और वो शेयर है BPCL का। वन को तो खरीदे, आशीष कह रहे हैं कि फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लेकिन किन लेवल्स पर खरीदे? राजेश पालविया से एक बार चेक कर लेते हैं। राजेश, कितना और नीचे गिर सकता है ये, या फिर इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है जहां से एक बाइंग इमर्ज हो सकती है?
तो देखिए प्रियंका जी, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, लेकिन आज की जो गिरावट है उसमें किसने अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए दिखा। स्टॉक आज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा, और आज अभी तक का जिस तरीके का यहाँ पे बिहेवियर है, हमें लगता है कि उसके नीचे ही बंद होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे अब 3500 तो इसके लिए मेजर सप्लाई जोन रहेगा। जब तक ये 3500 के ऊपर वापस नहीं आता, थोड़ा यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड जो इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट नियर टर्म चार्ट पे जो बनते हुए आ रहे हैं, वो है करीब यहाँ पे 3175, 3200 के आसपास। तो वो लेवल यहाँ से काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जैसा काम करते हुए दिखेंगे। तो 3200 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो हमें लगता है कि एक अट्रेक्टिव लेवल होगा बाय करने के लिए। उस समय वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे 3150 का, और अभी हमें लगता है पुल बैक में मेजर सप्लाई जोन इसका 3500 के आसपास है। अगर ये 3500 के लेवल के ऊपर वापस से क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर सस्टेन होना चालू करेगा, तो ये वापस अपने अप ट्रेंड को भी रिज्यूम करते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म स्ट्रक्चर में कोई भी एज सच वीकनेस नहीं है। नियर टर्म में जरूर एक रिएक्शन मिला है नंबर्स का, तो हमें लगता है ये डिक्लाइन जो मिला है इसको अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। 3200 के आसपास बाय करने की सलाह। थोड़ा सा रुककर आपको यहाँ पर एक पोजीशन बनाने का सोचना चाहिए। यही तो बात हो गई एंजल वन पर, लेकिन इस वक्त देखिए आज ना बिल्कुल था नहीं दे रहा आपको, बिल्कुल आइडिया नहीं दे रहा है कि ये किस तरफ जाने को है किस तरफ नहीं। मैं ना राजेश सर से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। टफ क्या मतलब, उनके लिए तो खैर आसान है, हमारे लिए टफ होता है। राजेश सर आपके लिए एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? आप मेरे को ये बताओ, मैं बैंक निफ्टी की कोई कॉल लेके जा सकता हूँ? सर बैंक निफ्टी है 48,120 पे, फ्यूचर चल रहा है 230 पे, कहो तो 48,200 की कॉल ले जाऊँ सर, अगर आप अलाउ करोगे तो, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। 48,200 की कॉल की वैल्यू है 155 रुपये सर। तो देखिए बैंक निफ्टी की कॉल लेने से पहले मैं ये टच करना चाहूंगा कि जो भी दारोमदार है बैंक निफ्टी का, यहाँ से अप मूव का वो तो रहेगा HDFC के नतीजों के बाद ही। तो वहां पे अगर हम HDFC के डेटा को देखें तो 1700 की कॉल में काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट आज ऐड होते हुए दिखा है, और अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है करीब 22,000 23,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में। तो हमें लगता है कि ये एक चैलेंजिंग लेवल तो जरूर बना हुआ है HDFC के लिए। अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखेगी, और जिस तरीके से स्टॉक का यहाँ पे बिहेवियर है, हमें लगता है कि देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी के एक अप मूव के चांस यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल आपका जो सवाल है बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाय करने का, वो की जा सकती है। आप कल की ही जो एक्सपायरी है उसी में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 48,100, 48,200, 48,200 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब ट्रेड कर रही है 154 के आसपास, इसमें बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीपर होगा, आज का जो डे लो है करीब 110 के आसपास, वहीं स्टॉप लॉस रखना होगा। और हमें लगता है कि अगर ये डेटा के हिसाब से जिस तरीके से बना हुआ है ये सेटअप, और अब यहाँ पे 48,200 के लेवल अगर क्रॉस कर लेती बैंक निफ्टी, तो ये कॉल में आपको बड़े टारगेट भी बनते हुए दिख सकते हैं, जो कि 250 की तरफ भी ये कॉल ऑप्शन बढ़ते हुए दिख सकता है, 250 से 300 रुपए की तरफ। तो 110 के स्टॉप लॉस से भाई 48,200 का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी का बाय किया जा सकता है 17 जनवरी की, और टारगेट होंगे 250 से 300 तक के। राजेश जी के पास, राजेश जी आपके BTST वाले सौदे कौन से हैं सर? डेफिनेटली पहला स्टॉक ऑयल एंड गैस क्षेत्र से ही रहेगा, और उसमें हमें लगता है गेल को यहाँ पे BTST किया जा सकता है। ये स्टॉक में देखे तो पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल का ट्रेड वापस से यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक में वीकली चार्ट पे भी देखे तो लास्ट 2 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का भी ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इसके ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड में बने हुए हैं। स्टॉक में जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एड होते हुए दिखा है ड्यूरिंग दिस सीरीज, हमें लगता है गेल एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 172-175 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, स्टॉप लॉस होना चाहिए 163 का। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो कैश सेगमेंट से, और उसमें हमें लगता है अंबेर इंटरप्राइजेस को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है वीकली चार्ट पे, और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले वीक और करंट वीक में जो मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा, और हो सकता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 4,000 के आसपास है वहां तक भी बढ़ते हुए दिखे। तो अंबर इंटरप्राइजेस को बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे 3820 का, अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 3950 की तरफ। 3950, 3950 के टारगेट, 3850 पर है, बिल्कुल कट टू कट, बिल्कुल कोई ज़्यादा लेवल्स को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, 100 रुपये ऊपर के टारगेट्स हैं। और दूसरा शेयर है गेल, जिसमें कि आप
को 175 तक के लक्ष्य मिल सकते हैं। ये दो शेयर राजेश जी की तरफ से।